वैसे ये जो वर्ड है स्टार्टअप्स, ये हमारे लिए अब नया तो नहीं रह गया है, क्योंकि आए दिन हम नए नए स्टार्टअप्स की बातें सुनते रहते हैं और उनमें सक्सेस और फेलियर दोनों तरह की कहानियां रहती हैं। हाल ही के दिनों में कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी सामने आए हैं जो यूनिकॉर्न कंपनी बन चुके हैं। यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनीज को कहा जाता है जिनका नेटवर्थ $1 अरब या उससे भी ज्यादा होता है। इंडिया में यूनिकॉर्न कहे जाने वाले स्टार्टअप्स 20 से भी ज्यादा हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो फंडिंग के जरिए करोड़ों और अरबों रुपए जुटा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज क्विक सपोर्ट आपको बताएगा कि हेल्थ केयर के एरिया में कैसे कैसे स्टार्टअप किए जा सकते हैं। इंडियन हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 तक ये लगभग $133 बिलियन की हो जाएगी। इंडिया में स्टार्टअप्स का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिसंबर 2020 तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने 41,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज्ड किया था। हालांकि इंडियन जीडीपी में इनका कितना कंट्रीब्यूशन है इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, पर ये इंडियन जीडीपी की ग्रोथ में अपना योगदान तो दे ही रहे हैं और इनसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है जिससे इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, होटल एंड टूरिज्म, एजुकेशन, फूड, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फैशन इंडस्ट्री के साथ साथ अब हेल्थ सेक्टर में भी काफी सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं। हेल्थ केयर में स्टार्टअप का एक सबसे कॉमन नाम है फार्म इजी, जो ऑनलाइन मेडिसिन की डिलीवरी करता है, और ऐसे ढेर सारे आइडियाज हैं जिनके साथ नया स्टार्टअप शुरू किया जा सकता है। तो चलिए उन पर एक एक करके हम नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी की। आज से 5-10 साल पहले जब ई कॉमर्स का बिजनेस बूस्ट हो रहा था तो हमें लगता था कि ऑनलाइन ऑर्डर और चीजों की डिलीवरी सिर्फ बड़े शहरों में ही पॉसिबल है, पर आज गांव में भी बड़ी आसानी से अपनी पसंद की चीजों को लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। कपड़े, जूते, खिलौने, किचन का सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, सब कुछ जो ऑनलाइन बिक रहा है आप मंगवा सकते हैं। अब इनमें दवाइयां भी शामिल हो गई है। शायद ही कभी किसी ने सोचा था कि दवाइयां भी ऑनलाइन बिकेंगी, पर ये हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम नजदीकी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि भाई ये दवाई तो हमारे पास नहीं है, दो दिन दिन में मंगवा देंगे। कभी कभी दवाइयों की अर्जेंसी इतनी ज्यादा होती है कि वो हमें तुरंत ही चाहिए होती हैं। इसीलिए ऑनलाइन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट कामयाब होता दिखाई दे रहा है। अगर किसी बड़े शहर में आप रहते हैं और मार्केट जाकर के अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते तो ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। कोरोना पैंडेमिक और लॉकडाउन की वजह से आज भी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसलिए बाहर निकलना अगर पॉसिबल नहीं है तो ऑनलाइन का ऑप्शन आपके हाथ में है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और शहर में हैं और आपके पेरेंट्स किसी और शहर में, और अगर वो सीनियर सिटीजन है तो आप भी चाहेंगे कि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो और दवाइयां घर तक आराम से पहुंच जाए। ऐसे में दवाइयों को ऑनलाइन मंगवाने में आप नहीं झिझकेंगे। वैसे भी हम लोग ऑनलाइन सामान मंगवाने के आदि हो चुके हैं। फार्म इजी, नेट मेड्स, 1MG, ये कुछ वेल एस्टेब्लिश्ड स्टार्टअप्स हैं जो दवाइयों की ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। इनमें फार्म इजी का नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा हो गया है, जिसमें $1.2 बिलियन की सिर्फ फंडिंग हो रखी है, तो इस बिजनेस में काफी ज्यादा स्कोप है। अब बात करते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज की। मोबाइल में आपने कभी ना कभी वॉइस कमांड वाला सॉफ्टवेयर तो जरूर से यूज किया होगा। बहुत से लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए भी मैसेज टाइप करने के बदले वॉइस कमांड देते हैं और वो अपने आप टाइप हो जाता है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी होता है। इसे मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसमें डॉक्टर या मेडिकल एक्सपर्ट जो भी बात कहता है वो टाइप हो जाता है। इससे पेशेंट्स को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, सजेशन या गाइडलाइन समझने में आसानी होती है, क्योंकि डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन से डॉक्टर की बातें साफ साफ समझी जा सकती हैं और ऐसा होने पर इलाज में आसानी हो पाएगी। तो ऐसे एप्स और सिस्टम डेवलप करवा के क्लिनिकल डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स में डिलीवर किए जा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर फॉर सप्लीमेंट्स। जैसे जैसे यूथ में बॉडी बिल्डिंग और अच्छी फिजिक डेवलप करने का क्रेज बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। जिम जाने वाले और हैवी वर्कआउट करने वाले बहुत से लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल डाइट से प्रोटीन की जरूरत पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए लोग डब्बे वाले प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स लेते हैं ताकि उनके मसल की ग्रोथ होती है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बढ़ती डिमांड के चलते अब ऐसी चीजें ऑनलाइन बिकने लगी है। ऑनलाइन सामान खरीदने से लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलता है और सप्लीमेंट्स की वैरायटी भी ज्यादा मिलती है, इसलिए लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स के पाउडर और कैप्सूल ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। इसी डिमांड और सप्लाई को समझकर हेल्थ कार्ट ने अपना ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू किया और आज उनका बिजनेस मॉडल काफी सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि हेल्थ कार्ट में लगभग 140 करोड़ रुपए की नेट वर्थ बना ली है। इस सेगमेंट में आप भी वैसे अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और अब बात करते हैं आगे ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग के बारे में। फिटनेस से ही जुड़ा एक और बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग। आज के लोग अपनी फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली बड़े शहरों में।
ये वो लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स और मॉडल्स हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं और फिट दिखना चाहते हैं। क्योंकि कई बार जिम जाकर के भी आप प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पर्सनल ट्रेनर या फिटनेस कोच की जरूरत महसूस करते हैं। इसके अलावा भी योगा इंस्ट्रक्टर, डाइट और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आप वेबसाइट या ऐप डेवलप करवा करके ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करके अपने साथ जोड़ पाए, तो लोगों को सब्सक्रिप्शन बेस पे फिटनेस ट्रेनिंग सेशंस और पर्सनल ट्रेनर अवेलेबल करवा करके पैसे कमा सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट पर छपे एक आर्टिकल में कहा गया था कि साल 2020 के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के बीच दुनिया भर में हेल्थ एंड फिटनेस एप्लीकेशंस के डाउनलोड्स में 46% की बढ़त हुई थी और इंडिया में ये रेट 156% पहुंच गया था। तो ऐसे में अगर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन वाला एप्लीकेशन या ऑनलाइन बिजनेस मॉडल खड़ा किया जाए तो इसमें ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा है। FITTR फिटर भी एक ऐसी ऑनलाइन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कम्युनिटी है जो लोगों को ऑनलाइन फिटनेस ट्रेनिंग के जरिए अपना टर्नओवर करोड़ों में पहुंचा चुकी है। तो ये हमने जाना फिटनेस के बारे में और अब बात करते हैं ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट एंड टेलीमेडिसिन के बारे में। इंटरनेट के बढ़ते यूज के चलते आजकल लगभग सभी चीजें हमारी पहुंच में आ चुकी हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था, तब सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग राज्यों ने ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स लोगों के लिए अवेलेबल करवाए जहां डॉक्टर्स ऑनलाइन और वीडियो कॉल के जरिए मरीजों को देख रहे थे और इमरजेंसी होने पर ही हॉस्पिटल जाने को कह रहे थे, क्योंकि ज्यादातर ओपीडी को कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया था। तो आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो इस तरह डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके होंगे। कई बार किसी बड़े शहर के किसी स्पेशलिस्ट, सर्जन या डॉक्टर को वहां जाकर दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वीडियो कॉल करके ही हॉस्पिटल या नर्सिंग होम मरीज से डॉक्टर की बात करवा देते हैं। इसी मॉडल पर ऐप और पोर्टल बनवाकर टेलीमेडिसिन की सर्विस को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऑनलाइन ही डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट लेकर के उनसे कंसल्टेशन सर्विस दिलवाकर प्रैक्टो नाम का एप्लीकेशन हेल्थ केयर सेक्टर में अपनी अच्छी खासी पहचान बना चुका है। 2019 में ही इंडिया में टेलीमेडिसिन मार्केट का साइज लगभग $830 मिलियन का हो गया था। तो इस मॉडल का फायदा आप भी उठा सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं मेडिकल बिलिंग सर्विस की। इंडिया में टोटल हेल्थ केयर मार्केट के लगभग 80% पर हॉस्पिटल इंडस्ट्री का दबदबा है। आए दिन हर छोटे बड़े शहरों में लोगों की मेडिकल केयर और इलाज के लिए नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। इनमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, कैंसर सेंटर, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग होम्स शामिल हैं। ऐसे हॉस्पिटल्स में बिलिंग सर्विस के लिए भी बेहतर सिस्टम लगवाए जाते हैं ताकि इलाज से पहले और इलाज के बाद बिल जनरेट करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। अगर पेशेंट ने मेडिकल क्लेम किया है या हेल्थ इंश्योरेंस सबमिट किया है तो उन्हें सर्विस देने में आसानी हो, ऐसी ढेर सारी चीजों के लिए एडवांस सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऐसे सिस्टम, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवा करके भी आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कई बार लंबे समय तक मेडिकल क्लेम और बिल्स का रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है, इसीलिए हॉस्पिटल्स को भरोसेमंद सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो यहीं पर बिजनेस स्कोप है। अब आगे बात करते हैं ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड की। हर घर में किसी न किसी को कोई ना कोई हेल्थ इशू तो जरूर से होता है और डॉक्टर को दिखाते हुए उनके कई सारे प्रिस्क्रिप्शंस जमा हो जाते हैं। कई बार तो जरूरी प्रिस्क्रिप्शंस गुम हो जाते हैं और ढूंढने पर मिलते भी नहीं है। ऐसे में जिनको कोई सीरियस बीमारी होती है तो उन्हें मेडिकल रिकॉर्ड रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब डॉक्टर चेंज होते हैं या किसी दूसरे शहर में जाकर के इलाज करवाना होता है तो हॉस्पिटल या नर्सिंग होम पुराने डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्रिप्शन और टेस्ट रिपोर्ट मांगते हैं। ऐसे में अगर ये डॉक्यूमेंट्स ना हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हो रहे हैं जो ऑनलाइन ये सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स अपनी डेटाबेस में स्टोर करके रखते हैं, जिन्हें आराम से एक्सेस किया जा सकता है। वैसे आपको याद होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी जहां पर आप अपनी गाड़ी के पेपर्स और स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट्स अपलोड करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दिखा भी सकते हैं, जिन्हें वैलिड माना जाता है। ठीक इसी तरह मेडिकल रिकॉर्ड्स अपलोड करने वाला एप्लीकेशन या ऑनलाइन पोर्टल डेवलप करवा कर पब्लिक सर्विस में एक मिनिमम चार्ज के साथ यूज करने को दिया जा सकता है। ई हेल्थ 102 ऐसा ही एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपके सभी मेडिकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, प्रिस्क्रिप्शन, बिल्स, लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, डिस्चार्ज समरी, ये सब कुछ स्टोर करने की सुविधा देता है और इस स्टार्टअप में लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर में ये कुछ इनोवेटिव स्टार्टअप आइडियाज से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपके पास भी कोई आइडिया है तो कोशिश करें उसे एग्जीक्यूट करने की, क्योंकि आजकल जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने अपनी सोच को हकीकत में बदलने की ठानी और उनमें से कई यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गए हैं।
और अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारी हौसला अफजाई करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कोई और सवाल है तो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी जितने लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, आगे भी ऐसी अमेजिंग जानकारियां आपको मिलती रहे तो प्लीज क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।